नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। कर्मचारी चयन बीमा आयोग ने 23 टीचिंग पदों पर निकाली भर्ती। कर्मचारी चयन राज्य बीमा निगम ने मेडिकल कॉलेज और ईएसआई हॉस्पिटल जोका कोलकाता में 23 टीचिंग पदों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके बाद इस भर्ती में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन संबंधी विज्ञापन ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आपको बता दें, आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DEAN PGI-JOKA.WB@ESIC.NIC.IN पर आवेदन भेज सकते हैं। राजधानी पटना के अगम कुआं में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह एक कुआं है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस कुएं को लेकर मान्यता है कि इसका पानी सूखा आने पर भी नहीं सूखता है और बाढ़ आने के बावजूद इसके जल स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ शीतला माता का मंदिर है, जिसमें 7 मातृदेवी के पिंडों की पूजा की जाती है। देवी माता के लिए भी यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। बिहार में डीएलएड कोर्स के लिए नामांकन की प्रक्रिया होगी 21 से। बिहार में डीएलएड कोर्स का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। बिहार में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए 21 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जिसके बाद 16 फरवरी तक नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि कोरोना को लेकर 2 वर्षीय डीएलएड में नामांकन में देरी हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन के लिए परीक्षा लेने पर असमर्थता व्यक्त की गई है। बिहार में चावल की बढ़ी उत्पादकता। बिहार राज्य धान उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। आधिकारिक घोषणा में भले ही देरी हो, लेकिन इस बार सरकार बीते सालों की तरह खाद्यान्न की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे राज्यों से चावल आयात करने के मूड में नहीं है। आयात कोटे की भरपाई के लिए कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों का पूरा धान खरीदने की योजना बना ली है। हालांकि किसान आंदोलन से आयातित चावल के बिहार पहुंचने में बाधा खड़ी हो गई है और इसका असर खाद्य श्रृंखला पर पड़ने जा रहा है। हाजीपुर से जोड़ा जाएगा अयोध्या नगरी से सीता जन्मभूमि जनकपुर का रास्ता। राम जानकी मार्ग को सीधा जोड़ने वाली सड़क से अब हाजीपुर भी जुड़ने वाला है। इसके लिए मुजफ्फरपुर के 8 और वैशाली जिले के 14 गांव में भूमि का अधिग्रहण होगा। जिले के जिन गांव में जमीन ली जाएगी, उसमें मनिकपुर, अबुचक, चक इब्राहिमपुर, कोल्हुआ, पीपरा घोष, आनंदपुर सिंह, वीरपुर और चक अब्दुल रहीम शामिल है। इसको लेकर जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि इस बाबत 36 गांव के लिए 3A का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 588 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,45,398 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 262 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सारण में 26 तो वहीं जहानाबाद में 25 मामले सामने आए हैं। आने वाले 1 सप्ताह में शुरू होंगे बिहार के इन 5 प्रखंडों में उद्योग आधारित रोजगार। प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी ने प्रवासी श्रमिकों को अपने घर में ही आय अर्जन का साधन 1 हफ्ते के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद चावल मिल, दाल, पशु आहार, जूस उत्पादन इकाई की स्थापना, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, गारमेंट्स, आम लीची का प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी सेवा, मत्स्य पालन, पापड़, मसाला आदि के उद्योग को लगाने पर सोच विचार किया जा रहा है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल को बंद रखने की दोहराई गई बात। बिहार के स्कूल खोलने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब सूबे के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सभी तरह के कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसके तहत उन्होंने स्कूल संचालकों के इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कोरोना के माहौल में स्कूल खोलने की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने उन स्कूलों की भी फटकार लगाई है जो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना का नेचर बदल रहा है, दिल्ली में दूसरी लहर देखने को मिल रही है। अगर स्कूल खोला गया और छात्रों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
बिहार में घर बनाने के लिए अब जमीन देगी सरकार। बिहार में घर बनाने के लिए सरकार जमीन देने वाली है। ऑपरेशन बसेरा के तहत बिहार सरकार भूमिहीन यानी कि गृहविहीन रियायतों को घर बनाने के लिए 5 डेसिमल जमीन फ्री में मुहैया करा रही है। सरकारी रिपोर्ट की माने तो राज्य में अब तक 70% भूमिहीनों को जमीन दी गई है। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक 67,809 परिवारों को 5 डेसिमल रहने योग्य जमीन दी है। इसके बाद अब बिहार में 16,356 परिवारों को ही घर बनाने के लिए सरकार जमीन देने वाली है, जिसका ऐलान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री रामसूरत कुमार राय ने शपथ ग्रहण के साथ ही कर दिया था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा का जन्म पटना में हुआ था। उनके जन्म पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मशहूर अभिनेता विश्वजीत भी वहां मौजूद थे। उनके पिता का नाम शंभुनाथ मिश्रा है, जो कि मशहूर पत्रकार रहे थे। अमिताभ बच्चन के साथ मिरिंडा के विज्ञापन में आने से पहले संजय ने कई और विज्ञापन और फिल्मों में छोटे रोल्स किए हैं। उनकी पहली फिल्म थी ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसमें उन्होंने हारमोनियम बजाने वाले की एक छोटी सी भूमिका अदा की थी। इसके बाद उन्होंने सत्य और दिल से जैसी फिल्मों में काम किया था। नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में हुई चर्चा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प सभागार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मुख्य सचिव दीपक कुमार भी मौजूद रहे। नई सरकार के गठन के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं की मौजूदा स्थिति और भविष्य की प्लानिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की। इसके पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लगातार कई दिनों तक विभागीय समीक्षा की थी, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद के पास में ही नगर विकास एवं आवास विभाग का जिम्मा है। बिहार में कल परसों से बढ़ जाएगी ठंड। बिहार में ठंड ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम का मिजाज राज्य में तेजी से बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो शुक्रवार से पटना समेत बिहार के कई इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। पटना मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी और बर्फीली हवाओं का असर पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 दिसंबर के बाद से पटना सहित बिहार के अन्य क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड काफी बढ़ सकती है। बिहार सरकार ने सभी आईपीएस अफसरों से मांगा संपत्ति का ब्यौरा। बिहार में शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों और यहां तक कि मुख्यमंत्री द्वारा भी सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा की परंपरा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने अपने सभी आईपीएस अधिकारियों को संपूर्ण अंचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर गृह विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें बिहार संवर्ग के आईपीएस अधिकारी को 2020 की संपत्ति का विवरण 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 के बीच विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। डीएसपी के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई। पुलिस अफसरों पर नकेल कसने की सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसके तहत अब तक आधे दर्जन से अधिक डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के बाद ही गृह विभाग लापरवाह डीएसपी पर कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद बीते दिन एक बार फिर से एक डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई चलाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बघा के तत्कालीन एसडीपीओ और वर्तमान में बीएमपी 13 में कार्यरत डीएसपी संजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2019 में बघा के एसपी के आदेश अनुपालन नहीं करने और केस के पर्यवेक्षण में लापरवाही को लेकर रिपोर्ट किया था। बिहार के लाल ने रचा पूरे विश्व में इतिहास। बिहार की राजधानी पटना के एक लाल ने कमाल कर दिखाया है, जिसके बाद ऋतिक राज ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया है। आपको बता दें, स्नातक छात्र ऋतिक राज को अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने इसकी औपचारिक सूचना अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि ऋतिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। शिक्षा मंत्री ने ऋतिक का फोटो भी शेयर किया है। जानकारी के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ऋतिक की पूरी 4 साल की पढ़ाई और रहने का खर्च उठाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जदयू। बिहार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने साथ ही सरकार में वापस लौटने के बाद अब जदयू बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल जदयू के प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड पश्चिम बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने वाली है, जिसके लिए कुल मिलाकर 75 सीटों को चिन्हित किया गया है। पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर हालांकि लगातार तैयारियों में जुटा है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी ने ऐसे सीटों को चिन्हित किया है जो बिहार से सटे हुए हैं।
तेजस्वी के गायब रहने पर उठाए गए सवालों पर राजद ने दिया जवाब। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय होंगे, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अब तेजस्वी के ट्विटर वाली राजनीति को लेकर सरकार की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है, जिसके बाद नीरज कुमार ने ट्वीट कर राजद से तेजस्वी को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसके बाद राजद की तरफ से श्याम रजक ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि तेजस्वी यादव लापता नहीं है, वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। संगठन के लिए चौक चौराहे पर ही रहना जरूरी है क्या? क्या दिल्ली देश के बाहर है? पूरे देश की राजनीति दिल्ली से ही होती है। राजद नेता विजय प्रकाश ने नीतीश कुमार को दिया महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर। भले ही सरकार गठन को एक महीना गुजर चुका हो, मगर राजद अभी भी एनडीए में सेंध लगाना चाहती है और यही कारण है कि लगातार राजद की तरफ से नीतीश कुमार को महागठबंधन का हाथ थामने का ऑफर दिया जा रहा है। इसी क्रम में राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अगर महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। नीतीश कुमार जी को महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में काम करना होगा। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए, किसानों के हित के लिए आए और तेजस्वी यादव को टीका लगाकर नेतृत्व सौंप दे। लालू प्रसाद को रिम्स से निदेशक बंगले में शिफ्ट करने के मामले में आज होगी सुनवाई। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला और बंगले से वापस वार्ड में शिफ्ट करने के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई सूचीबद्ध की गई है। हाईकोर्ट के पिछले आदेश के आलोक में सरकार को रिपोर्ट पेश कर अदालत को यह बताना है कि लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से निदेशक बंगले में शिफ्ट करने का निर्णय किसका था, फिर बंगले से पेइंग वार्ड में उन्हें किसके आदेश से शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को मिलने सेवादार की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी जानकारी मांगी है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए बिहार भाजपा खरमास के बाद जुटाएगी चंदा। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर में बिहार भाजपा भी आर्थिक सहयोग करने वाली है। पार्टी की तरफ से खरमास बाद राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया है। यह मुहिम लगभग 1.5 महीने तक चलने वाली है। इस दौरान पार्टी कोई और सांगठनिक गतिविधि नहीं करेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो पिछले दिनों पार्टी के मंच, मोर्चा और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही विधानमंडल दल की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। उसी बैठक में तय हुआ था कि पार्टी की राज्य इकाई भी राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग करेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। तैमूर ने आज ही के दिन 1398 में सुल्तान नुसरत शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। राजधानी दिल्ली में आज ही के दिन 1960 में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में आज ही के दिन अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वॉशिंगटन संधि संपन्न आज ही के दिन हुई थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 2008 में सफल परीक्षण आज ही के दिन हुआ था। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के संत परंपरा में सर्वोपरि माने जाने वाले संत गुरु घासीदास का जन्म 1756 में आज ही के दिन हुआ था। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, भोजपुरी कलाकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म आज ही के दिन 1887 में हुआ था। बिना खाता खोले पवेलियन लौटे पृथ्वी शॉ को ट्रोलर्स ने किया ट्रोल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों के बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज का पहला मैच एडलेड में खेला जा रहा है। भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि यह पहला मौका है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल से डे नाइट टेस्ट मैच खेल रही है। वहीं मैच शुरू होते ही पृथ्वी शॉ की पारी ने लोगों को निराश कर दिया, जिसके तहत मिशेल स्टार्क ने पृथ्वी शॉ को बिना खाता खोले पवेलियन पहुंचा दिया, जिसके बाद पृथ्वी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। इसके तहत ही को लेकर तरह तरह के मीम्स भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं। कंगना रनौत के खिलाफ बिहार में मामला हुआ दर्ज। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कंगना के विवादित बयानों के कारण ही उनके खिलाफ अब बिहार में भी मामला दर्ज करवा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव ने यह मामला दर्ज कराया है। सिविल कोर्ट में दाखिल परिवाद में रालोसपा के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
बिना नंबर शेयर किए आसानी से कर सकते हैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए वैसे तो आपको एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने पर्सनल नंबर को शेयर किए बगैर भी व्हाट्सएप चला सकते हैं। इसके लिए आपको वर्चुअल मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी जो आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसके लिए आपको केवल व्हाट्सएप पर साइन अप करना होगा। आप इस वर्चुअल नंबर के साथ व्हाट्सएप का उपयोग किसी भी नियमित नंबर की तरह कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,320 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,320 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजकुमार सिंह, सुबोध कुमार, रंजीत कुमार, राजकुमार भगत, अशोक कुमार, सनी कुमार, अर्जुन शर्मा, दिनकर देवन, विवेक कुमार, जयराम, फिरोज आलम, जयकृष्ण शर्मा, कमलेश कुमार, अकरम खान, जितेंद्र कुमार, असलम हुसैन, धीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में छात्राओं को स्नातक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के बाद 50,000 रुपए देने के फैसले से महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा मिलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।